अंडर रुपीज 15,000। सो अगर आपका बजट 10 से 15,000 के बीच में है और आप एक बेस्ट सैमसंग की तरफ से स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में बताए गए चारों ही सैमसंग के स्मार्टफोन बिल्कुल ही रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। इनफैक्ट चार में से तीन स्मार्टफोन तो इसी महीने लॉन्च हुए हैं और एक स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना है। इन चारों स्मार्टफोन में प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि इन चारों स्मार्टफोन में 6000 mAh तक की बैटरी देखने को मिलेगी विद सुपर फास्ट चार्जर, 6GB RAM एंड 128GB तक का स्टोरेज देखने को मिलेगा। और अगर आपको गेम वगैरह खेलना पसंद है तो गेमिंग प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे खासे गेम प्ले भी कर पाएंगे। और सुपर एमोलेड 90Hz तक का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, तो काफी सही बात हो जाती है। अप टू 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा, तो वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी काफी अच्छे से कर पाएंगे। तो इन सभी स्मार्टफोन में काफी तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाएंगे अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और साथ में इन सभी स्मार्टफोन के प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, रीजन बताऊंगा कि क्यों आपको लेना चाहिए या फिर क्यों नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिए। और इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाओ। खैर बढ़ते हैं वीडियो की ओर, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस वीडियो में बताए गए सभी स्मार्टफोन के बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर सकते हो। सो शुरू करते हैं गाइस नंबर वन से, और नंबर वन पर हमने रखा है सैमसंग गैलेक्सी F22 को। ये फोन कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है, हफ्ता 10 दिन पहले लॉन्च हुआ होगा। ये फोन सैमसंग की तरफ से आने वाला एकलौता ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको 90Hz का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी 12,000 के प्राइस पॉइंट पे, तो काफी सही बात हो जाती है। खैर बात करते हैं कि गैलेक्सी F22 में और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से, तो इस फोन का डिजाइन बिल्कुल ही ट्रेडिशनल देखने को मिलेगा, जो कि गैलेक्सी F12 या फिर M12 में देखने को मिला था, तो कुछ वैसा ही डिजाइन देखने को मिलता है। तो डिजाइन को मैं डिसेंट बोलूंगा, कुछ ज्यादा हाईफाई डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन One UI 3.1, तो काफी सही बात हो जाती है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, क्योंकि One UI में किसी भी तरह का बग्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है, तो काफी सही बात हो जाती है। इसी के साथ इस फोन में सैमसंग पे मिनी का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। ये फोन क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, प्राइमरी सेंसर 48MP का देखने को मिलेगा, सेकंड कैमरा 8MP का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए दिया गया है, और दो और सेंसर देखने को मिल जाते हैं, 2MP का बोके इफेक्ट के लिए दिया गया है और 2MP का मैक्रो फोटो के लिए दिया गया है। फ्रंट में 13MP का वी नोट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, तो काफी सही बात हो जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस का HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो सुपर एमोलेड पैनल तो है लेकिन आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, हाँ लेकिन 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek G80 का चिपसेट देखने को मिलेगा, तो डिसेंट सा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप हैवी गेमर है, ज्यादा गेम वगैरह खेलते हो तो इस फोन को छोड़ सकते हो, और अगर आप ज्यादा गेम नहीं खेलते हो तो इस प्रोसेसर में कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का गेम खेल पाएंगे, कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ इस फोन में आपको ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, 4G नेटवर्क के साथ आता है। बाकी प्राइस की बात करें तो 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के लिए 12,499 रूपए पे करने होंगे, अराउंड 12,500 के आसपास ये फोन देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका बजट 12,000 से 13,000 के आसपास है और आपको एक बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, बड़ी सी बैटरी चाहिए या फिर सैमसंग की तरफ से एक बेस्ट फोन चाहिए, तो इस फोन को परचेज कर सकते हो। दोस्तों नंबर 2 पर हमने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M31 को। ये फोन थोड़ा सा पुराना है इस लिस्ट का, बट स्टिल काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। गैलेक्सी M31 को मैं ऑलराउंडर मानता हूं, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, सेकंड कैमरा 8MP का दिया गया है, और दो और कैमरे देखने को मिल जाते हैं 5 MP के, जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। इसी के साथ इस फोन में 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, रियर कैमरे से 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ स्लो मोशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो काफी सही बात हो जाती है। कैमरा सेटअप काफी अच्छा देखने को मिलता है, 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, उसी को तेजी से चार्ज करने के लिए 15W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। और इस फोन के बैटरी लाइफ की बात करें तो 9 से 10 घंटे तक इसकी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी, तो काफी सही बात हो जाती है, पूरा दिन आसानी से चल जाएगा।
डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद 60Hz रिफ्रेश रेट। तो हायर रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है, बट बिलीव मी इस फोन का डिस्प्ले काफी अमेजिंग देखने को मिलेगा। बायोमेट्रिक की बात करें तो रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है बेस्ड ऑन वन UI 2.1। एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। और इस फोन की थिकनेस की बात करें तो 8.9 mm की थिकनेस देखने को मिलेगी, जबकि 6000 mAh की बैटरी है, तो थिकनेस को काफी अच्छे से मेंटेन किया है। इन हैंड फीलिंग काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, बाकी पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी। बात करते हैं इस फोन में प्रोसेसर कौन सा देखने को मिलेगा, तो सैमसंग का ही एक्सिनोस का 9611 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है। गेम वगैरह अच्छे से प्ले कर पाएंगे, कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, बट सॉफ्टवेयर काफी अच्छा देखने को मिलता है, तो ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस काफी अच्छा निकल के आता है। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31 की प्राइस कितनी है, तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 14,999 रुपए पे करने होंगे, अराउंड 15,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज देखने को मिल रहा है। 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल गैलेक्सी M31 में काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। और गाइस नंबर 3 पर हमने रखा है इसी का अगला वर्जन सैमसंग गैलेक्सी M32 को। ये फोन भी 10-15 दिन पहले ही लॉन्च हुआ और काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि गैलेक्सी M32 M31 से डाउनग्रेडेड है। खैर जानते हैं कि गैलेक्सी M32 में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। डिजाइन वगैरह की बात करें तो डिजाइन वगैरह काफी ठीक देखने को मिल जाते हैं, बाकी पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, लेकिन डिजाइन थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, प्राइमरी सेंसर 64MP का देखने को मिलेगा, सेकंड कैमरा 8MP का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और दो और सेंसर देखने को मिल जाते हैं 2-2 MP के। फ्रंट में 20MP का बी नोट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो देखा आपने गैलेक्सी M32 में दो कैमरे 2-2 MP के देखने को मिल रहे हैं, जबकि गैलेक्सी M31 में 5-5 MP के कैमरे देखने को मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं ना गैलेक्सी M32 डाउनग्रेडेड है गैलेक्सी M31 से। बाकी बैटरी की बात करें तो इस फोन में भी 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, उसी के साथ 15W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये फोन 25W तक का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। तो अगर आप बैटरी को तेजी से चार्ज करना चाहते हो तो 25W का चार्जर बाहर से खरीद सकते हो। इसी के साथ ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। 4G नेटवर्क के साथ आता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जिसके कारण पीछे का लुक काफी क्लीन देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन वन UI 3.1 और नॉक सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाएगा, साथ में सैमसंग पे मिनी भी देखने को मिल जाएगा। मीडियाटेक G80 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक गेमिंग चिपसेट है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। डे टू डे लाइफ में कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिलेगा, 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, लेकिन 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं गाइस, अप टू 800 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, तो डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 14,999 रुपए पे करने होंगे। अगर आपके पास HDFC या फिर एक्सिस का कार्ड है तो इस फोन को आप 13,500 के आसपास परचेज कर पाएंगे, तो 13,000 से 14,000 के आसपास ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको 90Hz का AMOLED ब्राइटनेस डिस्प्ले चाहिए, या फिर 6000 mAh की बैटरी चाहिए, या फिर 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप चाहिए, तो डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी M32 ले सकते हो। और लास्ट में नंबर 4 पर हमने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 एडिशन को। ये फोन लास्ट ईयर सैमसंग गैलेक्सी M21 का अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। हालांकि फीचर्स में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सेम ही फीचर देखने को मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन में, सिर्फ डिजाइन वगैरह थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर के डिजाइन ज्यादा अच्छे थे, इस बार का डिजाइन सैमसंग ने लोअर बजट वाला डाल दिया है, डिजाइन वगैरह मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। खैर बात करते हैं कि गैलेक्सी M21 2021 एडिशन में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा। इस फोन में भी 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 15W फास्ट चार्जर, जो कि सेम ही आपको लास्ट ईयर सैमसंग गैलेक्सी M21 में देखने को मिला था, तो कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट ईयर भी यही देखने को मिला था, तो डिस्प्ले में भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप भी बिल्कुल ही सेम ही देखने को मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, 48MP का प्राइमरी सेंसर होने वाला है, 8MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा, और 5MP का बोके कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट में 20MP का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि यू नॉच के साथ आने वाला है, और सेम ही कैमरा सेटअप लास्ट ईयर के गैलेक्सी M21 में भी देखने को मिला था। बाकी ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। 4G नेटवर्क के साथ आने वाला है, लेकिन इसमें आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, वन UI 3.1 का लेडिंग भी देखने को मिल जाएगा।
रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। तो पता नहीं सैमसंग क्या कर रहा है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होता तो ज्यादा सही रहता। बाकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 11,499 रुपए पे करने होंगे। सो अगर आपको 11 से 12,000 में एक एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, 6000 मिली एम्पियर की बैटरी चाहिए या फिर एक नॉन चाइनीज फोन चाहिए तो डेफिनेटली इस फोन को परचेज कर सकते हो। सो यही थे कुछ बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन जो कि 15,000 के प्राइस पॉइंट पे आते हैं, और इस समय पर ये सारे स्मार्टफोन बेस्ट है सैमसंग की तरफ से। बाकी आप मुझे जरूर बताना कि आपको इन सभी में से कौन सा बेस्ट लगा और आप कौन सा परचेज करने वाले हो। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कब तक के लिए बाय।